हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की इस कमाल की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने नए कैमरे के बारे में जो मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। अगर इसका व्लॉग आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं व्लॉग विद पीजे चैनल के ऊपर जाके, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया है। तो ये कैमरा क्यों परचेज़ किया, कौन सा मॉडल है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और जो मेरा पुराना कैमरा था सोनी A6000, उससे मैंने इसको अपग्रेड कर लिया, मतलब कि नया कैमरा भाई ले लिया, ताज़ा काफ़ी अच्छा खर्चा हो गया मेरा और पैसे खा लिए हो गए सारे के सारे। और क्या इसकी खासियत है स्पेशली, मतलब कि जो कैमरा है ना व्लॉगर्स के लिए, मैं व्लॉगर को टारगेट करने वाला हूँ यहाँ पे। जितने व्लॉगर्स हैं जो नया कैमरा परचेज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल आपको सिनेमैटिक लेवल की मतलब कि वीडियो मिले, सो कौन कौन से फीचर्स मुझे पसंद आए हैं इस कैमरा के अंदर वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली, तो भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि व्लॉगर्स के लिए खास मैं कैमरा परचेज़ किया है, इतना खर्चा किया है, तो पूरी वीडियो को देख लेना, सो बिना टाइम वेस्ट किए चल इस वीडियो रहते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस कैमरा को भाई क्यों परचेज़ किया, क्यों इतना खर्चा कर दिया, क्योंकि अभी मैंने आईफोन भी लिया है और रिसेंटली अब इसको परचेज़ कर लिया, तो यार जेब पूरी खाली हो गई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले यार मेरे पास जो सोनी A6000 कैमरा था ना, स्टिल आज की डेट में भी मैंने उसको कभी भी रिपेयर नहीं करवाया या मैं उसको लेकर सर्विस सेंटर में नहीं गया। जब भी मैंने कोई सोनी का प्रोडक्ट यूज़ किया मैंने सर्विस सेंटर के दर्शन किए ही नहीं है, ठीक है ना। जस्ट मतलब कि इतनी अच्छी क्वालिटी होती है सोनी की ना, नंबर वन है मेरे अकॉर्डिंग, नंबर वन ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक्स में। दूसरी बात यह है कि मैंने इस कैमरे को इसलिए परचेज़ किया क्योंकि मैं व्लॉगिंग मतलब कि करना स्टार्ट कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ठीक है, हम सब मिलकर सीख रहे हैं। तो उसमें क्या था कि मैं ना अपने आप को देख के व्लॉग नहीं कर सकता था, मतलब कि जैसे कि अगर मैं ऐसे अपने आप को देख रहा हूँ A6000 में, तो उसकी स्क्रीन बाहर तो आती थी, यहाँ तक जाती थी, ठीक है, पर पूरी बाहर आके मतलब कि मेरे को अपना चेहरा नहीं दिखता था, इसकी वजह से मैं इंट्रैक्शन नहीं कर पाता था। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट आता था कि मुझे चाहिए थी कि ना स्क्रीन जो फ्लिप होके बाहर आ जाए और मुझे मेरा चेहरा प्रॉपरली दिखे। तो सिंपली आपने इसको कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है, फिर ऐसे करना है और पूरा का पूरा ये कुछ इस तरीके से आपका जो है ना व्लॉगिंग वाला सेटअप बन जाएगा। ये देख लो कितना धांसू लगता है ना, अलग ही डिज़ाइन लगता है, सोने की डिज़ाइन मतलब अलग ही होते हैं। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन बाहर आ जाती है। अब इसके कारण आप एक इतना मतलब कि अच्छा व्लॉग कर सकते हो ना, मतलब कि इसकी हद नहीं है। ये इस तरीके से आप उसको पकड़ो। फिलहाल मैं आपको थोड़े से सैंपल शेयर करूंगा, पर अगर आपको व्लॉग करना है तो आपको एक 16mm का लेंस लेना पड़ेगा जो बहुत ही सस्ता आता है, 9-10 हज़ार का आता है, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। और कुछ महंगे लेंस भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हो भाई, आपके बजट के अकॉर्डिंग है। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी स्क्रीन खुल जाती है। तो पहला पॉइंट मेरा यही था कि मुझे एक स्क्रीन चाहिए थी जिसकी वजह से मैं अच्छा व्लॉग शूट कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आप अपना HDMI केबल लगा सकते हो और यहाँ पे आप चार्जिंग कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है, सबसे मेन बात क्या है कि यहाँ पे आप अपना माइक लगा सकते हो, कोई भी माइक आप यूज़ कर सकते हो, बोया का माइक हो, मैंने सारे माइक टेस्ट करे हैं, सारे के सारे माइक सपोर्ट करता है इसके अंदर। तो प्रॉपर लीड के साथ यूज़ करोगे तो हर एक माइक सपोर्ट करेगा। सो यहाँ पे आपको ये डायलर मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता है सोनी के कैमरा के बारे में कि उसको कैसे यूज़ करना है, आप नया नया आपने सोनी का कैमरा लिया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला मोड, ठीक है, मैनुअल मोड। और मैनुअल मोड के अंदर जाके सिंपली मैं ओके दबाऊँगा यहाँ से, ठीक है, और मेनू के अंदर जाऊँगा। अब सबसे पहले हमें फाइल फॉर्मेट मिलता है जहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है कि हमने रॉ पे शूट करना है, जेपैक पे शूट करना है। और उसके बाद यहाँ पर जेपैक की क्वालिटी, तो मैं आपको बोलूँगा कि एक्स्ट्रा फाइन आप रखो बिकॉज अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको इमेज साइज़ मिल जाएगा, ठीक है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। तो उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। और ये देखिए फोकस मोड आपको मिल जाएगा, और सबसे मेन जो हाईलाइट है इसकी कैमरा की, आपको यहाँ पर मतलब कि फेस ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है, आई आउट ऑफ फोकस आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आता हूँ, फेस एंड आई आउट ऑफ फोकस, और इसको आपको ऑन करके रखना है, मतलब कि मैं वही सेटिंग्स बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और सब्जेक्ट डिटेक्शन आपने ह्यूमन को करना है, या फिर आपका कोई पेट है, या आप एनिमल्स की फोटोग्राफ खींचते हो तो यहाँ से आप एनिमल सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ह्यूमन, और यहाँ से करूँगा ओके। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपने कौन सी आँख पर अपना मतलब कि फोकस करवाना है, तो यहाँ से आप ऑटो भी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो कैमरा होगा अपने आप डिसाइड कर लेगा कौन सी आँख पर आपका मतलब कि फोकस करेगा वो, ठीक है, आँख मारेगा वो, ठीक है। तो यहाँ से ओके करते हैं और सिंपली फिर से जाते हैं मेनू के अंदर, और यहाँ से आपने ये सारी चीज़ों को एग्जैक्टली सेम रखना है। अगर आपके पास A61000 है, A64000 है, या आपके पास कोई भी लेटेस्ट मॉडल है, तो यहाँ पे आप एनिमल आई डिस्प्ले को भी ऑन रख सकते हो, जो मैंने किया हुआ है। और फिलहाल मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है ह्यूमन को, क्योंकि मुझे ह्यूमन के शूट्स वगैरह करने हैं। तो जिस दिन मैं पेट्स के शूट करूँगा उस दिन मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा पेट वाला, ठीक है, एनिमल वाला।
सो दोस्तों सबसे पहले जोन सा आपको फ्लावर दिख रहा है, अब सपोज करो कि ना काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है और फोकस हमारा कई बार क्या होता है कि यहाँ वहाँ हो जाता है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्लावर दिख रहा है, अब मैं सिंपली अपने स्क्रीन के ऊपर सेंटर में टैप करूँगा जहाँ पे मेरा फ्लावर है और मेरा ट्रैकिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ट्रैक कर रहा है, मतलब कि फ्लावर किसी भी एंगल में चला जाए इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फोकस हमारा नहीं हिलेगा, ठीक है। वहाँ पे हमारा फ्लावर है, अब मैं जहाँ भी अपना कैमरा मूव कर रहा हूँ तो ट्रैकिंग सिस्टम इतना ज़बरदस्त है, अगर आप व्लॉग्स बनाते हो सिनेमैटिक वीडियोस बनाते हो तो आपको फोकस में सोने के अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। सो अभी मैं इसके इनबिल्ट जो माइक का ऑप्शन होता है उसको यूज़ करके मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ और वहाँ पे मेरा फ़ोन पड़ा है जो BTS रिकॉर्ड कर रहा है और यहाँ पे मैंने एक सस्ता सा माइक लगाया हुआ है और आपको पता लग जाएगा इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है कैमरा की, अगर हम इसके अंदर माइक यूज़ करते हैं तो अच्छी क्वालिटी देता है कि नहीं, वो आप जज करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो जैसा कि अगर आप देखोगे कि वहाँ पे मेरा फ़ोन पड़ा है और आप अगर फ़ोन के नज़रों से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार कैसा मैं कौन सी लोकेशन पे बैठा हूँ, अगर आप कैमरे की नज़रों से देखोगे तो आपको जजमेंट हो जाएगी कि यार मैं कौन सी लोकेशन पे बैठा हूँ, कितना अच्छा दिखाता है। अगर आप 50mm का लेंस यूज़ करते हो बाहर वीडियो को शूट करते हो तो आपको पता लग जाएगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको माइक की क्वालिटी कैसी लगी और वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों इस कैमरा के अंदर हमें 60fps से भी, मतलब कि आप उससे ज़्यादा स्लो मोशन कर सकते हो, उससे ज़्यादा फ्रेम रेट पे आप शूट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे मेनू के अंदर और मेनू के अंदर जाके आपको रिकॉर्ड सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो 120fps, मतलब कि आप सुपर स्लो मोशन में आप शूट कर सकते हो जिसकी वजह से आपको बहुत ही कमाल का लुक आएगा आपकी वीडियो के अंदर। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ सैंपल शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कमाल की वीडियो, और अगर आप व्लॉगिंग के लिए सिनेमेटोग्राफी के लिए कोई कैमरा ढूंढ रहे हो बिल्कुल प्रोफेशनल तो आप ले सकते हो सोनी A6300, पर्सनली खुद के लिए बाय किया है और हमेशा की तरह वही मैं प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, और इसकी कैमरा सेटिंग्स सिनेमेटिक कैमरा सेटिंग्स और इसका व्लॉगिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ, और ये जस्ट मैंने आपको डेमो दिया कि कैसे कैमरा क्या कुछ हमें देखने को मिल जाता है और मैंने क्यों अपग्रेड किया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं जल्दी मिलूंगा इसके साथ, तब तक के लिए थैंक यू।